हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लासेस में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एवरेज का जो आपके हैं जो पार्ट्स आपके चला रहा हूं मैं, तो इसमें एवरेज के हमने पार्ट 6 आपको कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके आए हुए हैं। तो अब आ जा आपका पार्ट नंबर 7 चलेगा। तो पार्ट नंबर 7 में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिन्हें आप समझ के अपने अच्छी तरह से आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो सीख भी नहीं देखी हैं तो उन्हें आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो हमने इससे पहले 36 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आज 37वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें क्या कहा हुआ है। तो 10 व्यक्तियों की औसत आय 2 वर्ष घट जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 50 और 60 वर्ष है उनके स्थान पर आ जाते हैं। आने वाले व्यक्तियों की औसत आय बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनकी निकाल लीजिए। तो यहाँ पे जो इनका निकल के आएगा टोटल पर्सन, टोटल एज इनकी हमने निकाली, एज ऑफ एक्सक्लूडिंग। ठीक है, ने एक्सक्लूड किया हमने, तो एक्सक्लूड करके इनका कितना निकल के आएगा एक्सक्लूड पर्सन। तो एक्सक्लूड पर्सन हो गया इसका, एक 50 का है, एक 60 का है। ठीक है, तो ये टोटल कितने, 110 के हो जाएंगे। तो अब टोटल एज और पर्सन एज इंक्लूड। ठीक है, तो अब इन्हें जोड़ के कितना हो जाएगा, इंक्लूड करके यदि कितने हो जाएंगे, एक्सक्लूड किया था ये एक्सक्लूड वाले पर्सन है 50 60 के। ठीक है, एक्सक्लूड का मतलब बाहर निकालना, इंक्लूड का मतलब अंदर प्रवेश कराना इनको, यानी इन्हें जोड़ जोड़ के। तो कितना हो जाएगा 110। ठीक है, 110 में से कितना निकल के गए हैं, तो 10 व्यक्ति थे उसमें से 2 के हिसाब से घट गई है। तो इसमें अगर निकालोगे तो आप 90 आएगा, कितना आएगा 90। अच्छा 90 आएगा, तो 90 ये 2 लोगों में डिवाइड होगा क्योंकि 2 लोग थे। तो 2 लोगों में डिवाइड करोगे तो इसे कितना आएगा 45। तो 45 आपका ये एवरेज निकल आएगा यहाँ पे एवरेज। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए तो जो इंक्लूड किए हैं वो 45 के एवरेज में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। इस क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है 7 वर्ष पहले विवाह के समय एक व्यक्ति या उसकी पत्नी की औसत आय कितनी थी 25 वर्ष। तो हस्बैंड था और उसकी वाइफ थी, तो उन दोनों की जो एवरेज उम्र पड़ रही थी वो कितनी थी 25 की थी, मतलब औसत उसका 25 चल रहा था। अब 7 वर्ष क्या कह रहा पहले थी, तो हमें बाद में यानी हम वर्तमान की निकाल रहे हैं, प्रेजेंट एज निकाल रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें 7 वर्ष जोड़ना पड़ेगा एवरेज में। फिर अब ये 2 व्यक्ति हैं तो 2 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया कितना 32, 32 में 2 का गुणा कर दो कितना आएगा 64 वर्ष। ठीक है, अब क्या हुआ, अभी वर्तमान में अब ये 3 लोग हो चुके हैं, तो 3 लोग हो चुके हैं हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड इसका इसका बच्चा, तो ये कितने हो गए 3 लोग हो चुके हैं, 3 लोग और 22 के इनका एवरेज चल रहा है, तो 22 66। अब इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा 2 वर्ष, 2 वर्ष का यहाँ लड़का है क्योंकि देखो इसमें भी हस्बैंड कॉमन, इसमें भी हस्बैंड कॉमन, वाइफ कॉमन, वाइफ कॉमन, तो बच्चे की एज बचेगी, तो बच्चे की एज कितनी हो जाएगी 2 वर्ष की। ठीक है, इस तरह से आप इसे कर सकते हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 थोड़ा छोटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, 10 वर्ष पहले 4 सदस्यीय परिवार की औसत आय 24 वर्ष थी और 2 वर्ष के अंतराल पर 2 बच्चे हुए हैं, तो आज भी उनके परिवार की औसत आय उतनी ही है, यानी जो 24 चल रही थी वो 24 ही है। तो ये कह रहा है छोटे बच्चे की वर्तमान आय बताएं, छोटा बच्चा कितने एज का है। तो देखिए 4 वर्ष पहले, तो ठीक है, तो टोटल प्रेजेंट एज अगर हम 4 वर्ष पहले निकालें तो 4 मेंबरों की तो कितनी निकलेगी, टोटल प्रेजेंट मतलब वर्तमान की एज ऑफ 4 मेंबर, तो 4 मेंबर की निकालें तो कितना आएगा 24 के हिसाब से ये चल रहे थे, 24 इनकी चल रही थी, तो अभी वर्तमान में माना है तो हमें 10 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये 10 वर्ष पहले की बात कह रहा है, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले वर्तमान में आने के लिए 10 वर्ष हमें जोड़ना पड़ेगा एवरेज में। अब कितने लोग हैं 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 34 इंटू में 4,
अब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौक 16 और 4 3 12 और 1 13 136। इसके बाद टोटल प्रेजेंट एज ऑफ मतलब 6 पर्सन की निकालो, तो टोटल प्रेजेंट एज ऑफ 6 पर्सन, तो 6 पर्सन की अगर निकालेंगे तो कितनी आएगी, 6 इंटू में एवरेज कितना पहले का ही रहेगा, सेम टू सेम कितना रहेगा पहले का, यानी 24 के हिसाब से चल रहा था, तो कितना हो जाएगा 24, 6 चौके 24 की 4 और 6 दूनी 12 और 2 14। तो अब इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो मतलब इन दोनों में यानी जो दो व्यक्ति यहाँ पे जोड़ के आए हैं, जोड़ हैं यानी ये 4 व्यक्ति तो ये हैं, 4 व्यक्ति इसमें होंगे पर 2 व्यक्तियों की यहाँ पे जोड़ के एज कितनी हो रही है, यानी हम एक की एक्स मान लें एक की वाई मान लें तो जोड़ के एज कितनी हो रही है, यानी कि देखिए इसमें अंतर कितने का आ रहा है 8 का, तो 8 की हो रही है। पर यहाँ पे देखो अंतर ये दे रहा है पहले से ही कि दोनों का अगर अंतर किया जाएगा तो कितना आएगा, अंतर आ जाएगा इनका 2 का। ठीक है, अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन करिए तो 22 से 22 कट गया, तो एक्स का अगर वैल्यू देखोगे तो अब कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 5, क्योंकि एक्स का वैल्यू 5 आ गया तो वाई का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, तो सबसे छोटे वाले कितनी एज हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये 3 वाला ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा यहाँ पे आंसर इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। देखिए एक क्रिकेट प्लेयर 10 पारियों का औसत 50 है, ठीक है, और न्यूनतम और अधिकतम स्कोर को हटा दिया जाए तो औसत 40 रह जाता है। अधिकतम न्यूनतम स्कोर का अंतर 160 दिया हुआ है, तो अधिकतम न्यूनतम रनों की संख्या बताएं। तो अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम व न्यूनतम रनों की संख्या बताओ, तो अधिकतम कितने होंगे न्यूनतम कितने होंगे, उन रनों की आपको संख्या यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ आपने इनिंग्स लिख ली, यहाँ पे एवरेज लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पे ये इनका सम आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इनिंग्स कितनी खेल रहे थे, 10, 50 के स्ट्राइक रेट से बना रहा था ये देखिए 50 के स्ट्राइक रेट से, तो कितना 500 रन बना रहा था। इसके बाद हमने मैक्सिमम और मिनिमम वाले निकाल दिए, जिसमें इसने जिस पारी में इसने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे और जिसमें सबसे कम बनाए थे, उन दोनों को हमने यहाँ से निकाल दिया, तो कितनी पारी रह गई, 8, 10 पारी पहले खेल रहा था, और एवरेज कितना रह गया 40 का, देखो यार 40 का कह रहा है एवरेज, तो 40 का एवरेज रह गया, तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौके 32। तो अगर डिफरेंस देखा जाए जो दो पारी हैं, दो पारी में मिनिमम और प्लस मैक्सिमम वाली यानी लोएस्ट वाली, ज़्यादा वाली और लोएस्ट, मिनिमम ये मैक्सिमम हो गया, ये लोएस्ट के लिए हमने प्रयोग कर दिया, तो बराबर में कितना निकल जाएगा इसका, 180 का। ठीक है, और इनका डिफरेंस कितना दिया, 160 का, तो एम माइनस एल बराबर कितना दिया, 160। इसे आप हल करोगे तो एल से एल कट गया, तो 2m बराबर कितना हो गया, तो 0 0 और 8 और 6 14 की 4, 1 2 और एक कैरी वाला तो 3। अब 2 से काटो तो m बराबर कितना आएगा, 2 1 2 2 7 14 0 170। तो मैक्सिमम जो रन है उसके 170 हैं, ठीक है, मैक्सिमम पारी के, और लोएस्ट पारी कितने हो जाएंगे, दोनों को मिला के 180 हो रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे लोएस्ट के, तो लोएस्ट के इसके 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम 40 तक ही रहने देंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि दूसरों को भी इसके बारे में मालूम पड़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।